के सैकड़ों सरकारी स्कूल भवन बदहाल हो चुके हैं। आलम तो यह है कि छोटे छोटे बच्चे गीले फर्श पर बैठकर पढ़ रहे हैं, वहीं शिक्षक भी तरह तरह के जुगाड़ करके छतों से टपकते पानी को रोकने की जुगत में लगे रहते हैं। जिले भर के एक दो नहीं बल्कि 400 से भी ज्यादा ऐसे सरकारी स्कूल हैं, ऐसे जिनकी सूरत इसी तरह है, इनका हाल इसी तरह है। कई स्कूल भवन तो गिरने की कगार पर है, जिससे कि स्कूली बच्चों की जान पर खतरा बना हुआ है। शिक्षा विभाग के एक सर्वे के अनुसार केवल बैतूल जिले में ही 400 से ज्यादा जर्जर सरकारी स्कूल भवन है। यह आंकड़ा सरकारी है और काफी संभावनाएं हैं कि सरकारी और जर्जर स्कूल भवनों की संख्या इससे कई ज्यादा हो। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इन भवनों की मरम्मत के लिए बजट की मांग भेजी गई है। शहर के बीच ये स्कूल स्थित है, लेकिन उसके बाद आप इधर के हालात देखिए। इस स्कूल में 3 कमरे हैं जिनमें 5 कक्षाएं संचालित हो रही है। ये है पहला कक्ष, ऊपर पन्नियां बंधी हुई है क्योंकि पूरी की पूरी छत, यहाँ पर छत से पानी टपक रहा है लगातार। लगभग 10 से 15 दिन हो गए यही स्थिति बनी हुई है। पन्नियों में पानी भर जाता है और कहीं से पन्नी अगर फट जाए तो पानी ज़मीन पर आ जाता है। ज़मीन पर लगातार यहाँ पानी टपक रहा है और चारों तरफ आप देखिए पूरा कमरा किस तरह से पानी से भरा हुआ है, पूरा फर्श गीला है। इस पूरे भवन का इस्तेमाल ही नहीं हो पा रहा है। यहाँ जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, देखिए जितना हिस्सा कमरे का सूखा हुआ है उसमें केवल 6-7 बच्चों को बैठा पाते हैं और उन्हीं को पढ़ा पाते हैं। पूरा यहाँ पर पानी यहाँ पर लगातार टपक रहा है। अब इसी तरह जो है हम यहाँ के दूसरे कक्ष में लेकर चलते हैं आपको, वहाँ पर भी अमूमन यही स्थिति है। ये है दूसरा कक्ष, देखिए यहाँ पर भी ऊपर पन्नी इसलिए बांधी गई है क्योंकि छत से पानी लगातार टपक रहा है। नीचे जो है एक चटाई बिछाकर बच्चों को किसी तरह बैठाया गया है। फर्नीचर की कोई व्यवस्था यहाँ पर बच्चों के बैठने के लिए नहीं है। ये चटाई भी जब गीली हो जाती है तो बच्चों का यूनिफॉर्म गीला होता है, बुक्स गीली होती हैं, जो शिक्षकों के लिए स्टेशनरी वहाँ टेबल पर रखा हुआ है वो गीला हो जाता है, अलमारियाँ जो हैं लकड़ी की वो सड़ रही हैं। इस तरह के हालात यहाँ पर स्कूल में बने हुए हैं। तीसरे कक्ष की भी लगभग यही हालत है, उसे अलग से दिखाने की ज़रूरत नहीं, सभी कक्षों की यही हालत है। सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़ें जैसे जो स्लोगन्स हैं वो पोस्टर बैनरों में बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन बच्चे किन हालात में पढ़ रहे हैं इसकी हकीकत हमने आपको दिखाई है। ये बारिश में ही ख़राब रहती है इस स्कूल की, गर्मी में तो ठीक रहता है लेकिन बारिश में बहुत ज़्यादा टपकता है, छत वगैरह बहुत टपकती है। अभी कैसे पढ़ा पा रहे हैं बच्चे? अभी ये है कि 3 कमरे हैं, 3 कमरों में से सिर्फ ये एक ये वाला कमरा है जो क्या बोलते हैं अपना गीला है पूरा, आपने देखा ही है, और इसमें से 50% भाग जो है बचा हुआ। पहले उस तरफ बच्चे बैठते थे, अब उधर गीला हो रहा है तो हम लोग उधर बैठते हैं। 5 बार पानी, जैसे ज़्यादा बारिश होएगी तो 4-5 बार हटाना पड़ता है, और इस रूम में तो नहीं बिठा सकते, जो थोड़ा बहुत छोर सूखा है उसके अंदर बिठा सकते हैं। और ऊपर पन्नी डालने में दिक्कत यह है कि कलेक्टर महोदय के निर्देश हैं कि ऊपर पन्नी डाले जाए, तो ऊपर पन्नी डालने पर यहाँ पर उजड़ाना के जो लोग हैं असामाजिक तत्व वो चुरा के ले जाते हैं। ऊपर भी डाल के देखी लेकिन सक्सेस। निश्चित रूप से बारिश के दिनों में छत टपकने के कॉमन प्रॉब्लम है, और इस संबंध में ये है कि हमारे जिले में कुल 2204 शालाएँ हैं जो कि जहाँ पर प्राइमरी मिडिल स्कूल संचालित हो, और जिनमें से 421 शालाएँ ऐसी हैं जहाँ पर कि ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। इसका हमने पूरा इन्वेस्टिगेशन करा लिया है। इसमें ये है कि हमारे द्वारा वार्षिक कार्य योजना जो प्रस्तावित की जाती है राज्य शिक्षा केंद्र को, उसमें हमने 421 शालाओं में मरम्मत के लिए बजट। श्योपुर में जोरदार बारिश और पार्वती नदी में उफान है। श्योपुर को कोटा खतौली से जोड़ने वाला रपटा डूब चुका है। सुंडी गांव एक बार फिर से टापू बन चुका है और गांव में 300 के करीब लोग फंसे हुए हैं। श्योपुर का कोटा राजस्थान से संपर्क कट चुका है, अभी तक पुल भी नहीं बन पाया है। लोगों को इस साल भी परेशानी हो रही है। तो ये उफान पर नदियों की तस्वीर आप देख रहे हैं, नर्मदापुरम की तस्वीर आप देखिए, नर्मदापुरम में भी जोरदार बारिश हो रही है। पचमणी में बारिश का सिलसिला जारी है। पचमणी जटाशंकर महादेव मंदिर में पानी भर चुका है और श्योपुर से लेकर नर्मदापुरम तक देखिए यही सिलसिला है, पानी ही पानी हर तरफ। मंदिर मार्ग भी जल से भर चुका है, तो ये झरना जो है वो मंदिर मार्ग तक पहुंच चुका है।
महादेव मंदिर पानी से भर गया है, तो दूसरी तरफ श्योपुर में आप देख रहे हैं नदियां उफान पर है। कुछ गांव तो टापू में तब्दील हो चुके हैं और 300 से भी ज्यादा लोग गांव में अभी भी फंसे हुए हैं, जिन्हें धीरे धीरे जो रेस्क्यू कर बाहर निकाला जा रहा है। और अब